नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के चुनाव के नतीजे आए उपचुनाव के, और जिसमें ये साफ हो गया कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। और 7 विधान सीटों के नतीजे जो आए उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसमें से 4 में जीत हासिल की। और इसमें भी सबसे बड़ी खास बात यह है कि 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कि बिहार में लालू के गढ़ में यानी गोपालगंज में उपचुनाव सीट में बीजेपी ने उनको पटखनी दी। लालू के गढ़ में भी बीजेपी ने आज परचम लहरा दिया, यानी ये माना जाए कि 2024 में तमाम विपक्षी पार्टियां जो मिलकर पीएम मोदी को और बीजेपी को हराने की जुगत में थी, यहां पर ये जो उपचुनाव है कहीं कहीं सेमीफाइनल है, ये दर्शाता है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको ये भी बताऊंगा कि चाहे बिहार में महागठबंधन देख लीजिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इन सभी कवायतों का असर यहाँ दिख नहीं रहा है। और ये जो उपचुनाव चुनाव के परिणाम है इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी ने डंका बजाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट को। उपचुनाव का पैगाम, भगवा के आगे सब नाकाम। क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार उनकी जन कल्याणकारी नीतियों और उनके अच्छे कामों का नतीजा है कि आज जनता हमें भरपूर समर्थन दे रही है। आज जिस प्रकार से गोड़ा कोकरेल की जीत हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी की विजय है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों की जय है, कार्यकर्ताओं की जीत के मेहनत के कारण। उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार जिस प्रकार से गरीब कल्याण के काम किए जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद 2014 के बाद से लगातार हम सबको मिला है। लालू के घर में बुझी लालटेन, बिहार मोदी का फैन। गोपालगंज में दोनों दल जो हमारे विरोध में जदयू और राजद मिलकर लड़े, फिर भी वहां हमने कमल खिलाया। और मोकामा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत लड़ाई लड़ी, हमने मार्जिन कम कर दिया। जबकि जदयू राजद इकट्ठे हो गए, फिर भी हमने मार्जिन कम कर दिया। केवल सिंपति फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई। क्वार्टर फाइनल में जीता कमल, 24 में विपक्ष पैदल। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया है कि देश में भगवा खेमे का जलवा जलाल कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से बिहार के मोकामा और तेलंगाना के मुनुगोडे सीट छोड़कर बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बीजेपी ने किन किन सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार के गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने 7 दलों के महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को 1794 वोटों से मात दी है। यूपी में लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,298 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भव्य विश्नोई ने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को 16,006 वोटों से पटकनी दी है। ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सूर्यवंशी सूरज ने सत्ताधारी बीजू जनता दल के उम्मीदवार अंबती दास को 9,000 से ज्यादा मतों से परास्त कर दिया है। हरियाणा की आदमपुर सीट से बेटे भव्य बिश्नोई की जीत के बाद बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने इसे पीएम मोदी की नीतियों की जीत बताया है। देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है, ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है।
मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। एक बात साफ है कि विपक्ष की लंबी चौड़ी गोलबंदी के बाद भी बीजेपी का जलवा जलाल कम नहीं हुआ है। बीजेपी जिन दो सीटों पर हारी है उनमें से एक तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट है, जहां सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बाजी मारी है, तो दूसरी बिहार की मोकामा सीट है, जहां पर बाहुबली अनंत सिंह का खानदानी कब्जा रहा है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से मात दी है। मोकामा की जनता जो हम पर विश्वास किए हैं और अपना आशीर्वाद दिए हैं, उनको सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूं और सबको धन्यवाद दे रही हूं जो हम पर विश्वास किए और उस विश्वास किए हैं, तो एकदम हम उस विश्वास पे खड़े उतरे। मोकामा सीट पर 3 दशक से अनंत सिंह और उनके परिवार का दबदबा रहा है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो 1990 से लेकर 2000 तक दिलीप सिंह और इसके बाद 2005 से लेकर अब तक अनंत सिंह मोकामा से विधायक रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी मोकामा में आरजेडी की जीत को अनंत सिंह की जीत बता रही है। उधर तेजस्वी यादव गोपालगंज की हार स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल यू हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल यू हो, राजद या अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उसमें महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है, वो ये कि 8 साल बाद भी पीएम मोदी का जादू कम नहीं हुआ है। इन नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई की मार, डॉलर के मुकाबले रुपयों का लगातार कमजोर होना और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब होना जैसे विपक्ष के मुद्दों पर जनता को जरा भी एतबार नहीं है। जनता अभी भी अनुच्छेद 370 के खात्मे, अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर न्योछावर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत लड़ाई लड़ी, हमने मार्जिन कम कर दिया, जबकि जदयू राजद इकट्ठे हो गए, फिर भी हमने मार्जिन कम कर दिया उनका और हम जीत गए वहां पर। ये एक बड़ा संदेश आया है और ये तय हो गया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही हर सीट जीतेगी। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी सारी की सारी सीट जीतेगी। इस उपचुनाव में यूपी से भी बहुत बड़ा संदेश आया है। यूपी की एकमात्र गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को 34,298 वोटों के बहुत बड़े अंतर से हराया है। इसका मतलब ये है कि लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले यूपी के भगवा बाबा के बुलडोजर मॉडल पर जनता ने एक बार फिर मुहर लगा दी है। समस्त जनता को, समस्त गोला विधानसभा के पूरे के पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार दिल से। जो है वो जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों ने भी आपको वोट दिया। जनता का विश्वास, हम लोगों को, जनता ने अपना विश्वास हम पे जाहिर करा है, हम भी उनका विश्वास बना के रखेंगे, सभी को एक साथ लेके चलेंगे। जिस तरीके से पिताजी का रिकॉर्ड, इस उपचुनाव में सबसे तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को एक अदद जीत भी नसीब नहीं हुई। इन नतीजों से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है।
अगर आगे भी जनता का यही रुझान रहा तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को झटका लग सकता है। हैरानी यह है कि राहुल गांधी अब तक इन चुनावी राज्यों में एक बार भी प्रचार के लिए नहीं गए हैं, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं। साफ है कि 2024 से पहले होने वाले इन चुनावों से भविष्य की तस्वीर साफ होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के परिणाम आ चुके हैं और इसमें खास बात यह है कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और यहां पर जैसे तैसे महागठबंधन ने अपनी इज्जत बचा ली। मोकामा की सीट बाहुबली अनंत सिंह के करिश्मे के दम पर आरजेडी यानी गठबंधन के खाते में गई, लेकिन गोपालगंज की सीट जो लालू यादव का गढ़ है वहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से बीजेपी से गठबंधन तोड़कर लालू नीतीश ने ये दावा किया था कि बिहार में हमने भगाया है, आगे 24 में बीजेपी को भगाना है, लेकिन इस लोकसभा सीट विधानसभा उपचुनाव ने इस बात को साबित कर दिया कि अभी भी गठबंधन का जादू वो नहीं है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोक सके। खासकर अगर हम इस उपचुनाव सीट की बात करें तो बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। मोकामा में महागठबंधन को जीत हुई, लेकिन गोपालगंज जो लालू यादव का गढ़ है वहां पर बीजेपी ने लालू को पटखनी दी, यानी जो उनके दावे थे कि 2024 में लोकसभा में वो परचम लहराएंगे और बीजेपी का विजय रथ रोकेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश का जादू नहीं चला, लालू का जादू नहीं चला, मांझी का मैजिक नहीं चला, यानी विपक्ष का जो एकजुट जो महागठबंधन का सपना था फिलहाल सत्ता के इस सेमीफाइनल में चूर चूर होता नजर आ रहा है। अब विपक्ष को और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। क्वार्टर फाइनल में जीता कमल, 24 में विपक्ष पैदल। बहुत खुशी की बात है, पूरा गोपालगंज जिला की जनता मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी का जीत मेरा ही जीत है। लालू के घर में बुझी लालटेन, गोपालगंज में खिला कमल। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा में जारी रहेगी अनंत कथा, नीलम देवी की जीत। मोकामा से जो राजद के जो महागठबंधन की उम्मीदवार थी नीलम देवी में कामयाब रही है, ये जो है एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाई जा रही है। बिहार में सियासत का क्वार्टर फाइनल मैच बेहद दिलचस्प रहा। गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने भगवा लहराया तो मोकामा सीट पर आरजेडी को जीत मिली, लेकिन इन 2 सीटों के नतीजे देश में महागठबंधन और थर्ड फ्रंट की राजनीति के लिए बहुत मायने रखते हैं। जो लोग सोचते हैं कि 2024 में लालू और नीतीश की जोड़ी सियासत के सबसे बड़े सेंटर बिहार में बड़ा उलटफेर कर देगी, उन्हें फिर से सोचना होगा। बिहार में फिर से लालू नीतीश के हाथ मिलाने और आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहले चुनाव थे। दोनों सीटों पर महागठबंधन की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटें महागठबंधन को आराम से जीतनी चाहिए थी, लेकिन नतीजों ने तमाम सियासी पंडितों को चौंका दिया। लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में बीजेपी ने कमल खिला दिया और लालू के घर में ही लालटेन की लो बुझा दी। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन गुप्ता को 68,259 वोट मिले। कुसुम देवी ने लालू के होम ग्राउंड पर 1794 वोटों से आरजेडी को मात दे दी। जीत के बाद कुसुम देवी ने गोपालगंज के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि ये जीत प्रमाण है कि जातिवादी राजनीति के दिन लग चुके हैं। जंगल राज के दाग इतने गहरे हैं कि लालू यादव को उनके गृह जिले गोपालगंज में भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, पूरा गोपालगंज जिला की जनता मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी का जीत मेरा ही जीत है। आगे जो विकास नहीं हुआ है वो विकास हम पूरा करेंगे। हार जीत का तो एथी है, कोई हारता है कोई जीता है, इससे कोई फर्क नहीं है, सब कोई माने में रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
गोपालगंज में महागठबंधन और बीजेपी के बीच लड़ाई कांटे की रही। कभी लालटेन की लौ तेज हो जाती तो कभी कमल का फूल खिल उठता। 18वां राउंड आते आते काउंटिंग एक घंटे के लिए रोकनी पड़ी क्योंकि इलेक्शन कमीशन और फिजिकल काउंटिंग के डेटा में भारी अंतर आ गया था। उतार चढ़ाव भरे इस मुकाबले में 20वां राउंड आते आते लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। शुरुआत से बढ़त बनाने वाली बीजेपी नेता कुसुम देवी 20वें राउंड में आरजेडी के मोहन गुप्ता से पीछे हो गई, लेकिन 22वें राउंड में फिर कुसुम देवी ने दम दिखाया और बढ़त बना ली। इसके बाद 24वें राउंड तक उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए लालू के होम ग्राउंड में उनके ही खिलाड़ी मोहन गुप्ता को मात देकर बीजेपी का परचम फहरा दिया। क्वार्टर फाइनल में दांत खट्टे होने के बाद भी महागठबंधन गोपालगंज में अपनी हार पचा नहीं पा रहा। वो बीजेपी की जीत को सहानुभूति वोट की जीत बता रहा है। दरअसल गोपालगंज सीट कुसुम देवी के पति और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की मौत के बाद खाली हुई थी। बिहार के लोगों ने महागठबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को, जूरी को, सब लोगों ने, जनता ने स्वीकार कर लिया है। अब देखें तो एक तरफ जो है गोपालगंज में और मोकामा में हम लोग ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, और गोपालगंज तो ये सहानुभूति फैक्टर का चुनाव रहा है। इसमें तो सहानुभूति के कारण हम तो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं। महागठबंधन वहाँ पूरी ताकत लगा दिया, हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे, लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के सात दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए जनता दल यू राजद यह अहंकार न रखे कि यह जीत उनके कारण हुई है। लालू के घर में सोशल इंजीनियरिंग धड़ाम। लालू और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग गोपालगंज में धड़ाम हो गई। यहां सबसे ज्यादा 65,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 47,000 यादव और 16,000 कोयरी कुर्मी मतदाता हैं, जबकि 38,000 वैश्य हैं, जो कुल मिलाकर 168,000 के करीब हैं। महागठबंधन ने यहां वैश्य कैंडिडेट मोहन गुप्ता को लालटेन पकड़ाई थी, लेकिन वो सिर्फ 68,259 वोट हासिल कर सके, मतलब कि मुस्लिम, यादव, कोयरी कुर्मी का पूरा वोट महागठबंधन नहीं जुटा पाया। मतलब साफ है कि महागठबंधन गोपालगंज में फ्लॉप रहा, और जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की धज्जियां उड़ गईं, उससे 2024 के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। इससे एक बात और साबित होती है कि पीएम मोदी पर बिहार अब भी फिदा है। गोपालगंज में दोनों दल जो हमारे विरोध में, जदयू और राजद, मिलकर लड़े, फिर भी वहां हमने कमल खिलाया, और मोकामा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत लड़ाई लड़ी। परंपरागत सीट थी जहाँ सहानुभूति काम किया, वहाँ पार्टी से ज्यादा सहानुभूति उनको काम किया, और हम तो मानते इन बातों को। वो सहानुभूति की जीत भले ही हो गई, लेकिन हमने उस फासले को पाटा है और हम कामयाबी की ओर बढ़े हैं। मोकामा में तो भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, कहाँ कहाँ से खोज खाज के कैसे कैसे ले आई, लेकिन लड़ा गया है, लेकिन हम यहाँ जीते हैं। गोपालगंज में पिटे महागठबंधन की लाज मोकामा के मतदाताओं ने बचा ली। यहां आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरी बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गईं। मोकामा की जीत को महागठबंधन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 2024 में लालू नीतीश की जोड़ी बिहार में बीजेपी का खेल इसी तरह बिगाड़ेगी। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से हराया। यहां आरजेडी को 79,646 और बीजेपी को 62,939 वोट मिले, लेकिन मोकामा की जीत महागठबंधन से ज्यादा बाहुबली अनंत सिंह के खौफ की जीत है। अनंत सिंह यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीतते आए हैं। कोर्ट से सजा होने के बाद अनंत सिंह की पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन इस बार जीत का अंतर घट गया। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग मोकामा में भी फेल हो गई।
मोकामा की जनता जो हम पर विश्वास किए हैं और अपना आशीर्वाद दिए हैं, उनका उनको सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ। ये तो जीत होती है, जीत बहुत जानते हैं उन लोग, तो क्या बीजेपी वाले को जुमला वाले को कहना है। जो लोग अनुमान लगाते थे कि ये 50,000 और 60,000 से वोट से उनकी जीत होगी, कहीं न कहीं इस पर विराम लगा है। लेकिन आज जदयू नहीं भी है हमारे साथ, तो हम अकेले अपने बल पर वहां पर 66,000 से अधिक वोट लाए हैं और भी ताकत के साथ हम वहां अपना संगठन और अपने विचारधारा का विस्तार वहां करेंगे। नीतीश फैक्टर खत्म, ओवैसी फैक्टर चालू। मोकामा और गोपालगंज के नतीजों को अगर बारीकी से देखें तो कई चौंकाने वाली बातें समझ आती हैं, जो लालू और नीतीश के लिए चिंता का सबब हो सकती हैं। जिस मुस्लिम वोट बैंक को नीतीश और लालू खेमा अपने साथ साधे रहता है, वो अब बिहार में छिटक रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में अपना असर दिखाने वाले ओवैसी ने इस बार गोपालगंज में भी अपना खेल दिखाया। गोपालगंज में आरजेडी के मोहन गुप्ता की हार में ओवैसी फैक्टर का असर साफ दिखाई देता है, जो मोकामा में छोटे सरकार के बाहुबल की वजह से लालू और नीतीश की इज्जत बच गई। मोकामा में सरकार नहीं जीती है, छोटे सरकार जीते, और गोपालगंज में भाजपा जीती है। पहले भी भाजपा जीती थी और आज भी भाजपा जीती है। तो और नीतीश कुमार जी के गठबंधन के बाद राष्ट्रीय जनता दल का वोट घटा, इसका मतलब है कि 2000 वोट घटे। नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं है बिहार की राजनीति। मोकामा को पहले से पता था गोपालगंज का भी था कि हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेंगे। लेकिन आप देखिए वोट का जो बिखराव हुआ, गोपालगंज का पहले बात कर ले, वहां पे क्या बिखराव हुआ, ओवैसी जो पार्टी ने खड़ा किया, और ओवैसी कौन खड़ा करता है, भारतीय जनता पार्टी करती, जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग हराया गया। मोकामा और गोपालगंज के नतीजों से ऐसा लगता है कि लालू नीतीश ने भले ही हाथ मिला लिया हो, लेकिन उनके समर्थकों के दिल नहीं मिले। यही सबसे बड़ी वजह रही कि मोकामा और गोपालगंज में सोशल इंजीनियरिंग का असर नहीं दिखा, जबकि मोदी फैक्टर और असरदार साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हिमाचल और गुजरात चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी का ब्रह्मास्त्र चलेगा, ये कितना कामयाब होगा और क्या इसका चुनाव पर असर होगा, उसको जानिए छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद राष्ट्रवाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद में अब बात होगी हिमाचल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी करें, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने एक बड़ा दाव चल दिया है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और बीजेपी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गुजरात में और हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अब ये जो अस्त्र है, ये जिसको बीजेपी ब्रह्मास्त्र कह रही है, ये कितना कारगर होगा ये देखना होगा। अब इसके बाद से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी विपक्षी पार्टियां थोड़ा हैरान हैं। अब उनको ये लग रहा है कि इसका दाव क्या होगा। ओवैसी गुजरात के मैदान में कूद चुके हैं, 80-20 की बात उन्होंने कर दी है। 80-20 आप समझते हैं कि ये तो बीजेपी की फेवरेट फील्ड है, और उनके फील्ड पे आप बैटिंग करोगे तो जाहिर सी बात है चौके छक्के तो लगेंगे। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में भी चुनाव जीतने के बाद यूसीसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई, और अब हिमाचल और गुजरात चुनाव में बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि मोरबी ब्रिज हादसे के बाद से कहीं न कहीं बीजेपी वहां बैकफुट पर थी। अब देखना यह होगा कि ये जो यूसीसी का ब्रह्मास्त्र है, ये बीजेपी के लिए कितना कारगर होगा और विपक्ष इसका काट क्या निकालता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। हिमाचल में बीजेपी का चुनावी सिक्सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुपर शॉट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई। हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भगवा संकल्प, विपक्षी खेमे में मची खलबली। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा बताओ भाजपा और मोदी जी? सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे
कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अगर एक सहमति और कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो और उसके बाद बहुत हद तक वो सहमति अधिकतर दिखे। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी दृष्टि पत्र के नाम से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि हिमाचल में दोबारा से अगर बीजेपी की सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी जाएगी। जहां जब जब हम तय करते हैं स्टेट वाइज हम इसको कर रहे हैं तो ये पार्टी का इंटरनल स्ट्रेटजी का मामला है, लेकिन निश्चित रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हम कमिटेड हैं और यहां बात आई तो लोगों ने इस बात को आगे रखने का प्रयास किया है। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राजधानी शिमला में समान नागरिक संहिता का दांव खेला तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांगड़ा की रैली में इस पर मुहर लगाने में देर नहीं की। कांगड़ा की चुनावी सभा में अमित शाह ने साफ कहा कि हिमाचल में दोबारा से कमल खिला तो समान नागरिक संहिता लागू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रहा दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक। गुजरात के बाद हिमाचल में बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के दांव से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इस दांव पर भड़क गए हैं। भाईजान का कहना है कि बीजेपी यूसीसी के जरिए मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश कर रही है। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ना ले, तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा बताओ भाजपा और मोदी जी? सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। कहने की जरूरत नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुनकर भाईजान की भुजाएं फड़फड़ाने लगी हैं। उधर कांग्रेस बीजेपी के इस दांव से गहरे पशुपेश में फंस गई है। दरअसल हिमाचल में करीब 95% हिंदू मतदाता हैं, वहीं गुजरात में भी करीब 90% हिंदू मतदाता हैं। जाहिर है कांग्रेस गुजरात और हिमाचल चुनाव के दरमियान अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस भी बीजेपी की इस हां में हां मिलाने में ही भलाई समझ रही है। हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अगर एक सहमति और कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो और उसके बाद बहुत हद तक वो सहमति अधिकतर दिखे, लेकिन आप इस प्रकार के धूल झोंकने वाले, बरगलाने वाले, मूर्ख बनाने वाले वक्तव्यों को इसका समर्थन चाहते हैं? कांग्रेस के इस स्टैंड से साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके लिए दोधारी तलवार बन गया है। इससे पहले गुजरात में यूसीसी लाने के लिए बीजेपी ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। जाहिर है हिमाचल और गुजरात चुनाव में बीजेपी भगवा पिच तैयार कर रही है। हिमाचल में अपना चुनावी दृष्टि पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने यूसीसी के अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का भी वादा कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी समेत 11 शुभ संकल्पों का जिक्र किया है, जिसमें सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे, 8 लाख से ज्यादा नए रोजगार, छोटे किसानों को हर साल अतिरिक्त 3,000 रुपए, गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए हिम तीर्थ पर्यटक सर्किट शुरू होगा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के मुद्दे को दूर करने का वादा, सेब किसानों के लिए पैकेजिंग सामग्री पर GST को 12% तक सीमित किया जाएगा, शहीद सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि बढ़ाई जाएगी, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए 900 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, 5 नए मेडिकल कॉलेज, 2 गुने मोबाइल क्लिनिक वैन बनाए जाएंगे। हिमाचल में समान नागरिक संहिता के साथ वक्फ बोर्ड के सर्वे की बात कहके बीजेपी ने अपने भगवा एजेंडे का खुला यलगार कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में उसका ये दांव तुरूप का इक्का साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इलीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज पर इसके लिए भी हम काम करेंगे।
हिमाचल में बीजेपी के 11 शुभ संकल्पों में से 2 यूसीसी और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कांग्रेस की नींद उड़ाने वाला है। वैसे हिमाचल में बीजेपी के 11 संकल्प के जवाब में कांग्रेस पहले ही प्रतिज्ञा पत्र जारी कर 10 गारंटी का दांव खेल चुकी है। साफ है कि हिमाचल का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। हिमाचल की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव होना है, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को गुजरात के साथ ही आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में अब बात पाकिस्तान सीमा सटे सूबे पंजाब की, जहां पर खालिस्तानी समर्थक लोगों ने अपनी करतूतों को अंजाम देना शुरू किया और यहां पर लोगों को भड़काने की पूरी साजिश रच रहे हैं। हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और अब खबर है कि एक और शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई। और इन सब के बीच आप देखिए, सुधीर सूरी की हत्या के बाद से तमाम जो खालिस्तानी समर्थक है वो लड्डू बांट रहे हैं। पन्नू नाम का खालिस्तानी जो समर्थक है, जो वहां के गैंगस्टर है, वो ये कह रहा है कि जिसने सूरी की हत्या की शनी को 10 लाख रुपए का इनाम देगा। ऐसा इनाम, ऐसे प्रोत्साहन देकर वो हमारे पंजाब के युवाओं को भरमाना चाहता है। लेकिन मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह ऐसे तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे पंजाब के युवा हों चाहे हमारे देश के युवा, तुम्हारे चंद रुपए के बहकाने में आने वाले नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह कि जो घटनाएं हुई अमृतसर में, अब उसको लेकर एक नाम और आ रहा है। आज अमृतसर के कमिश्नर ने इस पूरे मामले में SIT गठन की बात कही है कि सूरी हत्याकांड की जांच SIT करेगी। इन सब के बीच एक और बड़ा नाम सामने आया, सुशील सूरी हत्या के मामले में एक नाम आया है अमरजीत। माना जा रहा है कि उसका भी इसमें हाथ है और उस पूरे मामले की जांच SIT करेगी, क्योंकि एक दिन पहले उसने फोन पर धमकी दी थी। यानी ये धमकी का सिलसिला है। और जो उस हत्यारे की गाड़ी से सामान बरामद हुआ था उसमें कई बड़ी हस्तियों के नाम थे जिनके नाम के आगे क्रॉस लगाया गया था। क्या है इसके मायने, जाने के देखिए हमारी खास रिपोर्ट को। सूरी को अंतिम विदाई, खालिस्तानी गैंग की कब होगी तुड़ाई? पंजाब में हिंदुओं की प्रखर आवाज और खालिस्तानी गैंग को चुनौती देने वाले सुधीर सूरी पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें आखिरी विदाई देने हजारों लोग पहुंचे। अमृतसर में 4 किलोमीटर लंबे सफर को तय करने में 1.5 घंटा लग गया। दोपहर 12 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई और दोपहर 1:30 बजे शमशान घाट पहुंची। इस दौरान सूरी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। हिंदूवादी नेता सूरी के अंतिम संस्कार से पहले पंजाब के पूर्व डिप्टी CM ओम प्रकाश सोनी समेत कई पार्टियों के नेता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच सूरी मर्डर केस की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है। इसके सदस्य प्रभजोत सिंह विर्क, अभिमन्यु राणा, अमनदीप सिंह और शिवदर्शन सिंह होंगे, जबकि SIT की कमान PPS अधिकारी जगदीश सिंहवालिया संभालेंगे। सूरी हत्याकांड को अंजाम देने वाले संदीप उर्फ सैंडी को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संदीप ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर सूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था। सुधीर सूरी कत्ल के मुकदमे की संवेदनशीलता को मुख्य रखते हुए इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए SIT गठित की गई है। उनके साथ इंचार्ज एंटी गैंगस्टर स्टाफ और इंचार्ज CIA मेंबर हैं। मीडिया पे देख देख के हेट क्राइम किया है, पर यह पूरी बात नहीं है। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे, इसमें बहुत अलग अलग ढंग से तफ्तीश की जाएगी। आतंकी पन्नू का ऐलान, कातिल को 10 लाख का इनाम। पंजाब में हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी की हत्या को अंजाम देने वाले संदीप की मदद खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने शुरू कर दी है। SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने
सूरी के कातिल संदीप को 10 लाख की मदद का ऐलान किया है ताकि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके। हिंदूवादी नेताओं के हत्यारों को कैश रिवार्ड देने वाला और देश के खिलाफ जहर उगलने वाला पन्नू आखिर है कौन? गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है। 90 के दशक में वो अमेरिका चला गया और वहां टैक्सी चलाने लगा। इसके बाद उसने वकालत शुरू कर दी और पंजाब से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की मदद के बहाने उन्हें बरगलाना शुरू कर दिया। सुधीर सूरी के बेटे माणिक सूरी ने अपने पिता की हत्या के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाया है। माणिक सूरी के मुताबिक हत्या से एक रात पहले उनके पिता को फोन आया था और फोन करने वाले ने खुद का नाम अमृतपाल सिंह बताया था। हमें शहीदी का दर्जा दिलाया जाए पापा को मेरे, और जैसे जिस ऑफिसर्स की गलती हुई है जिसके कारण ये सब, उनको सस्पेंड किया जाए। जो जो पर्सन वहाँ इन्वॉल्व थे और जिस कैटेगरी में, जो डीजीपी साहब हमें कमिटमेंट करके गए कि आपका सिक्योरिटी और आपका घर हम चेंज करेंगे वहाँ से, तो वो हमारा प्रोवाइड किया जाए। आखिर कौन है अमृतपाल सिंह जिसके नाम पर सुधीर सूरी को फोन आया था? अमृतपाल सिंह पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का नजदीकी रहा है। उसने दीप सिद्धू की मौत के बाद खुद को उसकी संस्था वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष घोषित किया था। पंजाब की खुफिया एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह की गतिविधियों को देश के लिए खतरा बताया था। सुधीर सूरी मर्डर को लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने खून से लिखी चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमृतसर में हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी के चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने दूसरे हिंदू नेताओं को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया है। शिवसेना हिंद के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष निशांत शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। निशांत शर्मा ने सुधीर सूरी की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। निशांत शर्मा ने खुद को मिली धमकी के बाद खरड़ पुलिस को इस बारे में शिकायत भी दी है। इससे पहले सुधीर सूरी के बेटे माणिक सूरी को भी फोन पर धमकियां मिली थी। ये धमकियां माणिक को उनके पिता की हत्या के तुरंत बाद दी गई थी। जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ है फादर का, हम लोग हॉस्पिटल से घर आए, 11:30 बजे का टाइम था। मैं बाहर खड़ा होकर अपने कजन के साथ बातें कर रहा था, उतनी देर में ही कॉल आया, सूरी कितने है, पंजाबी में उसने बोला सूरी कितने है। मैं कहा उनकी डेथ हो गई है। तो जैसे उसको बोला तू कौन बोल रहा है, मैं कहा मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। जैसे उसको बोला कोई गल नहीं, तू सारे ठोकन आए हैं, ठोक के ही जावा। ये नंबर कहाँ का था, कुछ आईडी का? इससे पहले भी पंजाब में खालिस्तानी चरमपंथी कई लोगों को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। इनमें फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ, गिप्पी ग्रेवाल, गुरनाम भुल्लर और परमेश वर्मा जैसे मशहूर पंजाबी गायक शामिल हैं। पंजाब एक सरहदी सूबा है, ऐसे में वहाँ फिर से खालिस्तानी चरमपंथियों का उभार देश के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में अब बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में सफेद धुंध की चादर नजर आ रही है। लोगों को अब सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है, यानी सांसों पर पहरा हो गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इससे निपटने के लिए सरकारों के पास अभी तक कोई ठोस फॉर्मूला नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल। धुंध की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में प्रदूषण की मोटी परत है। दम घोटू हवा के चलते सांस लेना भी हो रहा है मुश्किल। आंखों में जलन, गले में खराश, सिर दर्द जैसी समस्या लोगों को परेशान कर रही है।
दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल गंभीर और खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। शनिवार को इन जगहों पर एयर क्वालिटी सिस्टम में थोड़ा सुधार हुआ है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा अभी भी लोगों का दम घोट रही है, जिसे लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने प्रदूषण की समीक्षा के लिए मीटिंग की है। इससे पहले CAQM की हुई समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रुप 4 कैटेगरी की पाबंदियां लागू की गई थी, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। माना जा रहा है कि प्रदूषण में थोड़े सुधार के बावजूद दिल्ली एनसीआर के वातावरण में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। ऐसे में CAQM ग्रुप 4 कैटेगरी की पाबंदियों को जारी रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज राष्ट्रवाद सीधे आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल से देख रहे थे, तो आज राष्ट्रवाद में मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।